7 बजे के बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। आज दोपहर भारत लैंड करेगा 5 रफाल विमानों का बेड़ा। अंबाला एयरबेस पर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया करेंगे अगवानी। अंबाला एयरबेस के आसपास सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। फिलहाल यूएई के अल-दाफा एयरबेस पर खड़े हैं सभी 5 रफाल। यूएई से आज सुबह 11 बजे भारत के लिए उड़ान भरेंगे रफाल, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की बड़ी ताकत है। रफाल जिसके बारे में यह कहा जा रहा है महाबली है, बाहुबली है। रफाल की मिसाइल इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। आज दिन भर इंडिया न्यूज़ ये बड़ी कवरेज करेगा। इस मेगा कवरेज में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि डिप्लोमेटिक लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर, इंडियन एयरफोर्स के लेवल पर रफाल का आना क्यों ये कहा जा रहा है कि गेम चेंजर है। रफाल को क्यों कहा जाता है महाविनाशक। रफाल की मिसाइल क्यों और भी ज्यादा इसे मजबूत बनाती है। और रफाल से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं हम संजोकर लेकर के आएंगे। और इसके अलावा चाइना के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से, एयरबेस के लिहाज से रफाल का आना किन मायनों में खास है, ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। मिसाइल विध्वंसकारी, J-20 और F-16 पर बहुत भारी। रफाल होगा सेट, डबल फ्रंट पर होगा अटैक। रफाल है रफ्तार का राजा, बजा देगा J-20 और F-16 का बाजा। रफेल की एक्यूरेसी परफेक्ट, J-20 और F-16 श्योर शॉट डेड। रेट ऑफ क्लाइंब में अव्वल, J-20 और F-16 को ट्रबल। एक के बाद एक बड़ी खबर, जी हाँ, इस रफेल का बेसब्री से सारे दर्शकों को इंतजार है, भारतवासियों को इंतजार है। वो कल दोपहर 1 बजे पहुंचेगा अंबाला एयरबेस। दोपहर 1 बजे आमूल चूल बदलाव के साथ टच डाउन करेगा आपका अपना रफेल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रफेल की पल पल की जानकारी कल सुबह से इंडिया न्यूज पर आप लगातार देखते रहिएगा। जी हाँ, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा लेकर आएंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आंख कान खोल। उम्मीद यह है कि रफाल आ जा रहा है और आप सभी का सीना 56 इंच से कहीं ज्यादा चौड़ा हो गया होगा। मैं शुरुआत करूंगा मेजर जनरल JKS परिहार आपके साथ। क्या यह माना जाए कि रफाल का आना इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर है? अगर है तो किन मायनों में? देखिए, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं, पूरे भारत की तीनों सेनाओं के लिए और पूरे भारत के लिए गेम चेंजर है। और रफाल जो है एक कोई फाइटर प्लेन नहीं है, इसमें सारी खूबियां हैं और एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर की काफी वेपन्स जो है एक साथ ऑपरेट हो सकते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि एक तरह से पूरे ये हथियारों का जखीरा जो है वो पूरा एक साथ चलता है। इसके अंदर जो मिसाइल्स है, तीनों तरह की मिसाइल्स इसमें लगी हो सकती है, जो एयर टू एयर भी अटैक करेंगी, एयर टू ग्राउंड भी अटैक होती है, और शिप पे भी इसका जो है इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसके अंदर ऐसी गन लगी हुई है जो 360 डिग्री में वो वार कर सकती है। इनका जो हेलमेट सिस्टम है वो भी एक बेहतरीन होता है। इनके जो रडार सिस्टम है वो भी बेहतरीन है। और कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आम पब्लिक डोमेन में नहीं दिए जाते हैं। तो ये पूरे भारत के लिए और खास करके माउंटेन वारफेयर और डेजर्ट में कैसे एक्ट होना है उस हिसाब से ये बनाया गया है। तो आप इसको सिर्फ एक हवाई जहाज या वो मत सोचिए, ये एक बहुत बड़ा डिफेंस उसमें सिस्टम है और बहुत ही बेहतरीन गेम चेंजर हुआ है। और आज की डेट में रफेल जो है विद इसके सारे एसेसरीज के साथ में दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है, और उसके मुकाबले में कोई दूसरा सिस्टम है नहीं। और जब इसको जब इंडियन पायलट जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट हैं जब वो चलाएंगे, तो इसका कोई J-20 हो चाहे F-22 हो चाहे Sukhoi-35 हो, कोई इसका मुकाबला खास करके माउंटेन एयरफेयर में कतई नहीं कर सकता है। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि इसमें 13 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कि टैंक और दूसरे वेपन्स भी नीचे लटका के ड्रॉप किए जा सकते हैं। तीसरा, इसका जो वेट है ये हैवी वेट लेके जा सकता है, और माउंटेन में क्या होता है कि हमें 30-40% कम वेट में चलना पड़ता है, तो वहां पर इसकी कैपेसिटी दूसरे जहाजों से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हर महीने में ये एक गेम चेंजर है। आपका ये कहना है और आप यही बताना चाहते हैं कि एक तरीके से रफाल के जरिए इंडियन एयरफोर्स जब भी चाहे जैसे भी चाहे दुश्मन के खिलाफ एक चक्रव्यूह की रचना कर सकता है। और इंडियन एयरफोर्स की ताकत के बारे में तो हम आगे बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन डॉक्टर वी एन झा, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वी एन झा, आपसे मेरा एक सवाल है। चीन ये कहता है कि हमारे पास में J-20 है जो रफाल का मुकाबला करेगा। पाकिस्तान कहता है हमारे पास में F-16 है, लेकिन हमारे पास में जो स्टडी है वो ये बताती है कि रफाल के आगे ना तो F-16 टिकता है ना ही चीन का J-20। आपकी राय क्या है? ठीक है, दो तीन दिन से मैं आपका कवरेज देख रहा हूँ, आपके पास में काफी सारे मटेरियल हैं जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं। देखिए, चीन का जो J-20 है वो क्लेम करते हैं कि ये पूरा
जो जो कंसील्ड एयरक्राफ्ट होता है जो 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 रडार पे ना आए वो ऐसा ऐसा एयरक्राफ्ट है और उसमें है कुछ कुछ पैरामीटर्स के हैं जो कि बड़े अच्छे हैं। लेकिन देखिए चीन ने ये सारी चीज़ें कॉपी की है रशियन से और जब किसी और का आप कॉपी करते हैं मतलब चोरी चोरी जब करते हैं किसी और का डिज़ाइन तो आप सारी चीज़ें नहीं दे पाते हैं। तो जहाँ एक तरफ में जो रशिया का जितने भी सीरीज के हैं सू सीरीज के हैं सू 30 हो सू 35 हो उसके जब डिज़ाइन आप चीन जब उसको जब कॉपी करता है चोरी करके तो वो सारे फीचर्स नहीं आते हैं। तो इसलिए हालांकि चीन क्लेम करता है कि ये उनका फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है और इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो कि किसी भी फिफ्थ जनरेशन में होना चाहिए लेकिन वो है नहीं। लेकिन यही एक ऐसा एस्पेक्ट है कि चीन के पास में सो कॉल्ड नाम के लिए भी सही एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट उन्होंने रखी हुई है। लेकिन देखिए फिफ्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन क्या होता है इसमें ये होता है कि फिफ्थ जनरेशन वाले में जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फीचर्स होते हैं जो आर्मामेंट डिलीवरी होती है वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं और वही चीज रफाल में है। रफाल में आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है ये इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आने वाले सारे जितने फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसमें आपको मिलेंगे तो ये चीज ऑलरेडी रफाल में है।